हेलो सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमेंटिक नेटवर्क्स क्या होता है और एक सिंपल से एग्जांपल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे सो so, सीमेंटिक नेटवर्क्स है क्या इसकी डेफिनेशन क्या है इट इज़ अ ग्राफिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नॉलेज इन इंटरकनेक्टेड नोड पैटर्न्स सो नॉलेज का हम यूज़ करते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपकी इन्फॉमेशन को स्टोर करके रखता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है अब अगर उसी नॉलेज को हम एक ग्राफिकल फॉर्म में शो करें जिसमें कि नोट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होगी तो हम उसको बोलेंगे वो एक सीमेंटिक नेटवर्क है इट इज़ वेरी पॉपुलर इन ए आई एंड एन एल पी क्यों बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इन नॉलेज और सपोर्टिंग रीजनिंग ठीक है सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दल्टरनेटिव ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक अब देखो इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है कि नोट्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स कि जो नोट्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं अब तीन डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं या तो हो सकता है हमारे पास सर्कल इलिप्स और रेक्टेंगल सो सर्कल की फॉर्म में हो सकती है नोट इलिप्स की फॉर्म में हो सकती है या फिर रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकती है सो so अगर सर्कल की फॉर्म में है दैट मीन्स हम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलिप्स की फॉर्म में है तो हम किसी एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो हम किसी एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो ये इसकी एक नोटेशन होती है एक तरह से अब जो आर्क्स होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है सो इसको या तो हम बोलते हैं लिंक्स या एरोस। देन देर आर लिंक लेबल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप सो दे स्पेसिफाई रिलेशनशिप्स देन दिस सीमेंटिंग नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज एसोशिएटिव नेट्स क्योंकि ये एसोसिएशन शो करते हैं एक नोड की दूसरी नोड के साथ सो दे आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव नेट्स क्यों क्योंकि दे शो एसोसिएशन बिटवीन नोड्स। सो नोड्स आर एसोसिएटेड। ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंटिक नेटवर्क अब इसके कौन कौन से कॉम्पोनेट्स होते हैं सबसे पहला है lexical components. Lexical components में क्या-क्या आएगा? -क्या so, जितनी भी नोट्स होंगी लिंक्स होंगे लेबल्स होंगे वो सब लेक्सिकल कॉम्पोनेंट का पार्ट बनते हैं देन स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट आर ऑल्सो लिंक्स और नोट्स बट दे आर डायरेक्टेड लिंक्स और नोट्स देन सिमेंटिक ये शो करता है डेफिनेशन रिलेटेड टू लिंक और नोट्स ठीक है सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स उसके बाद आता है प्रोसीजरल दो तरीके के प्रोसीजरल हो सकते हैं या तो हो सकता है कंस्ट्रक्टर लेवल पे या हो सकता है डिस्ट्रक्टर लेवल पे सो so, कंस्ट्रक्टर लेवल का जो होगा इसका मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू लिंक्स क्रिएशन ऑफ न्यू लिंक्स और जो डिस्ट्रक्टर लेवल पे होगा उसका मतलब है रिमूवल ऑफ लिंक ठीक है सो ये तो से एक इंट्रोडक्शन थी कि सीमेंटिक नेटवर्क होता क्या है उसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं सो so, एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से देखते हैं जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है जॉन ठीक है देन जॉन की कितनी लेग्स हम डिनोट कर रहे हैं हम जॉन की कह रहे हैं कि जॉन की सिर्फ एक लेग है हो सकता है एक है दो है हम कह रहे हैं यहाँ पे एक है देन देर इज वन मोर पर्सन माया अब इसको हम यहाँ से इसको शो कर रहे हैं यूजिंग अ लिंक और आर्क और डायरेक्टेड लिंक और जो इसका हम रिलेशनशिप बता रहे हैं या लिंक का ले लेबल है दैट इज मदर ऑफ सो माया इज मदर ऑफ जॉन और जॉन का जो हमने कहा है कि वन इसकी जो लेग्स हैं वो वन है ठीक है देन देन माया को हम कह रहे हैं कि माया एक फीमेल है सो so, अगेन लेबल कह सकते हैं मेंबर ऑफ सो माया इज अ मेंबर ऑफ फीमेल ग्रुप देन एक और हम ले रहे हैं यहां पे पर्सन देन यहां पे हम इसका लेबल कह सकते हैं सबसेट ऑफ दैट माया इज अ फीमेल विच इज अ सबसेट ऑफ पर्सन एंड फाइनली मेमल्स सो इसका भी आप एक लेबल लिख ले सकते हैं सेट ऑफ देन ऐसे ही यहां पर आप लिख सकते हो जॉन के लिए जॉन इज मेंबर ऑफ मेल कम्युनिटी एंड मेल्स आर ऑल्सो दबसेट ऑफ पर्सन सो इस तरह से हम एक सीमेंटिक नेटवर्क को शो कर सकते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल था आपको योर एग्जाम्पल भी ले सकते हो सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिक्युलर व्यूटी लेक्चर Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.